सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास है रियलमी नार्जो N53 मोबाइल, तो इंटरनेट प्रॉब्लम को इस मोबाइल में कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपके मोबाइल में नेट नहीं चल रहा है या नेट चलता है तो सही से स्पीड नहीं आती है, तो इस सारी प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करोगे अपने मोबाइल में, चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ। ये सेटिंग अगर आपने अपने मोबाइल में कर लिया तो आपका नेट बहुत ही स्पीड में चलेगा। तो सेटिंग करने के लिए आप अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन पैनल ओपन कर लीजिए, नेट आपका ऑन होना चाहिए, मोबाइल डाटा के ऑप्शन पर लॉन्ग प्रेस करना है आपको इस प्रकार से। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस शो होगा आपके सामने। अब यहां पर देखिए यूज सिम जो लिखा हुआ ये टिक ऑन होना चाहिए, और मोबाइल डाटा का ऑप्शन है ये भी टिक ऑन होना चाहिए, और रोमिंग का ऑप्शन जो है इसको भी ऑन इस प्रकार से आप कर दीजिए। और देख लीजिए इसी प्रकार से आपकी सेटिंग होना चाहिए जैसे हमारे में है। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क का ऑप्शन है, ये भी टिक आपके मोबाइल में ऑन होना चाहिए। उसके बाद एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर थ्री डॉट आपको देखने को मिलेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, और रीसेट टू डिफॉल्ट का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर आपको फ्रेंड क्लिक करना है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व हो जाएगी जर से। अगर ये करने से आपकी प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं हो रही है तो एक सेटिंग लास्ट बची है, वो आप करके देख लीजिए। मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। मोबाइल की सेटिंग ओपन होने के बाद यहाँ पर सिस्टम का ऑप्शन दिखाई देगा, सिस्टम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पर देखिए रीसेट ऑप्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और रीसेट यहाँ देखिए रीसेट वाईफाई मोबाइल ब्लूटूथ लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इस वाले ऑप्शन पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है, रीसेट सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जो भी आपके मोबाइल का स्क्रीन लॉक है स्क्रीन लॉक दोस्तों यहां पर डाल दीजिए, दोबारा से रीसेट सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद ये आपके मोबाइल की सेटिंग रीसेट हो जाएगी, यानी मोबाइल नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी वो सॉल्व हो चुकी है आपकी।